मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो कैमरा फोड़ दूंगा, आप लोग मेरे पे मुकदमा करोगे। भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, 1 से लाख तक, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। उस मूवी में हमने उसका बाइकआउट क्यों करा मालूम है भाई साहब? क्योंकि वो बंदा अच्छा नहीं है। हमने लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट नहीं करा भाई साहब, हमें लाल सिंह चड्ढा से कोई दिक्कत नहीं है और किसी फड्डा से कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है। मगर उसका मजबूरी में चड्ढा उतर गया लाल सिंह चड्ढा का, तो मेरी क्या गलती है भाई साहब? उतरा उसका क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं। इन लोगों ने ठेका लिया हमारे धर्म का मजाक बनाने का। इनके बस की हो तो किसी और धर्म के बारे में बना के दिखाए, इनकी औकात नहीं है ये ऐसा बना सकते हैं। उसका कारण है, इनके लिए फतवा भी जारी हो जाएगा, इनके ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें जारी। हिंदुत्व, हिंदुत्व मूवी में दोबारा ब्रह्मास्त्र की तरह इन्होंने हमारा मजाक बनाया, क्योंकि हमने सोचा अच्छी मूवी है, अच्छी थी, ठीक का मतलब है मैंने ट्रेलर देखा। फिर जब मैंने मूवी का रिव्यू देखा, आज वो मूवी लॉन्च हुई है, मैंने जरूर देखा जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि भगवा की मूवी है तो कुछ अच्छा होगा। 2014 के बाद हम लोग गाढ़ा भगवा हो गए। कुछ लोग कैमरे के आगे पूछते हैं आप लोग भगवा अब हुए हो? भगवा तो हम पहले ही थे मगर अब गाढ़ा हो गए। जैसे माता और बहनें मेहंदी लगाती है ना, जितनी गाढ़ी रस्ती है उतना गाढ़ा प्रेम होता है, चाहे वो किसी भी फीलिंग से देखे, एक अच्छी भावना से। अब इन्होंने मूवी में क्या कर दिया मालूम है भाई साहब? तुलसीदास खान, या तो खाली तुलसीदास बोलो और या खाली खान बोलो, तुलसीदास खान नहीं हो सकता और खान तुलसीदास नहीं हो सकता। तो हिंदुत्व मूवी में इन्होंने ये दिखाया कि वो सेक्युलर बन गया बाद में। उन्होंने मुझे दी ऐसी टीम के लिए तो मैं तारीफ बजाता हूँ भाई साहब, ऐसी टीम के लिए तो दिल्ली का दीपक कह रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे वो प्यार और स्नेह दे रहे हैं। और बाकी ये 2-4% जो लोग हैं ना भाई साहब, ये लेफ्ट विंग वाले और कुछ अजीब सोच वाले जो हैं, जो कहते हैं कि धरती चपटी है, उनसे मुझे दिक्कत है। धरती तो गोल है भाई साहब, चपटी नहीं है। चपटी सोच वालों की तो चपटी रहने दो। तो ये जग्गू की लालटेन अगर मूवी चलेगी तो उसमें उन्होंने घोषणा और कर दी, आप मीडिया उठा के देखो, न्यूज में आ रहा है दबा के, कि इस मूवी में जो कमाई होगी, क्या आज तक आपने ऐसा सुना है बॉलीवुड में कि 10% में जरूरतमंदों की मदद करूंगा? बिल्कुल बोला उन्होंने, ये बात बोली है। हाँ, बोला। आपने भी सुनी होगी। तो अगर कोई बंदा अभी 1500 लालटेन बंटवा रहा है झुग्गी झोपड़ी में, 10% कमाई जो होगी उसको जरूरतमंदों की मदद करना चाहता है, तो हम ऐसी मूवी क्यों नहीं देखेंगे? हमारा पैसा है वो। और मैंने उनको बोला कि सर मैं शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, तो मेरे से पता क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब तुम्हारे साथ मैं भी शिवलिंग में दूध चढ़ाऊंगा और जल चढ़ाऊंगा। उस मूवी का कोई प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर कह रहा है मेरे से, तो उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। ये घमंड तो बॉलीवुड की जो कुछ गैंग में लोग बने बने ना, ये उनकी है, बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं है भाई साहब, बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं है। मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक मूवी रिलीज हुई है हिंदुत्व, इसको लेके लगातार अब जो हिंदू समाज है वो इसका विरोध कर रहा है। आखिर क्यों? पहले खान पे वार और अब हिंदुत्व पे क्यों ऐसा जो घमासान मचा है? आइए इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली के दीपक। आखिर क्या हो गया कि इसका विरोध होने लगा? दीपक जी, हिंदुत्व का विरोध क्यों? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, पत्रकार महोदय। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, मगर सवाल में एक गड़बड़ है। हिंदुत्व का विरोध नहीं है भाई साहब, आप खुद एक हिंदू व्यक्ति हैं, राष्ट्रवाद व्यक्ति हैं आप। हिंदुत्व मूवी जो बनाई है उसका विरोध हो रहा है। हिंदुत्व का विरोध करने का तो किसी की औकात ही नहीं बनती इस दुनिया में। हमारे धर्म का विरोध करने वाला औकात है भी नहीं किसी की, और ना बना सकता है। मैं छोड़े होके कह रहा हूँ भाई साहब, मेरा यही स्टाइल है। आज जो मूवी बनाई है ना, उस मूवी में इन्होंने हमारे धर्म के साथ एक मजाक बनाने का ठेका ले लिया है। और वो ठेका ऐसे ले लिया इन्होंने कि पहले इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है कि जो ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है, उन्होंने वो वरदान दिया था, एक उन्होंने एक शक्ति दी थी ब्रह्मास्त्र की। एक ब्रह्मास्त्र वो है जो मोदी जी ने भारत सरकार को दिया है, DRDO डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको समझ नहीं आता, भैया समझो, कुछ पढ़ो लिखो, देश में प्रधानमंत्री यही कह रहा है, पढ़ेगा इंडिया जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो DRDO डिपार्टमेंट जो है वो इस तरीके की मिसाइलें देता है, उसमें अब्दुल कलाम जी का भी योगदान है, पूर्व राष्ट्रपति है स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी। अब उस ब्रह्मास्त्र मूवी में इन्होंने उसमें भी मजाक बनाया। वो व्यक्ति है, एक बात बताइए, गाय खाने वाला और गाय को पूजने वाला एक साथ कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए भाई। जिसको आप पूजते हो और एक धर्म उसको खाता है, क्या आप साथ बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। मैं केवल उस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा हूं जो गाय खाता है, पूरे धर्म में उंगली नहीं उठा रहा। जो खाता है मेरे लिए वो गलत है, क्योंकि गलत इसलिए क्योंकि हम पूछते हैं, खाने को तो बथेरी चीजें बनी, आप सब कुछ खाओ ना। फिर वो बंदा हिंदू होने के बावजूद, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, रणवीर कपूर नाम है शायद उनका, उनके पिताजी भी देखिए आज वो स्वर्गों में है। जो बंदा ऊपर चला जाए उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बॉलीवुड का मुद्दा इसलिए छेड़ दिया मैंने।
तो जो ऋषि कपूर जी हैं, स्वर्गीय ऋषि कपूर जी, उन्होंने भी ये बयान दिया था, उन्होंने बाद में माफी वाफी मांगी थी, मगर साथ के साथ आप मुझे एक बात बताइए, उनका बेटा भी कह रहा है, मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो कैमरा फोड़ दूंगा, आप लोग मेरे पे मुकदमा करोगे? भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, 100,000 तक आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। उस मूवी में हमने उसका बाइकआउट क्यों करा मालूम है भाई साहब? क्योंकि वो बंदा अच्छा नहीं है। हमने लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट नहीं करा भाई साहब, हमें लाल सिंह चड्ढा से कोई दिक्कत नहीं है और किसी फड्डा से कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है, मगर उसका मजबूरी में चड्ढा उतर गया लाल सिंह चड्ढा का, तो मेरी क्या गलती है भाई साहब? उतरा उसका क्योंकि वो क्या कह रहा है, शिवलिंग का मजाक बना रहा है। इन लोगों ने ठेका लिया हमारे धर्म का मजाक बनाने का, इनके बस की हो तो किसी और धर्म के बारे में बना के दिखाए, इनकी औकात नहीं है ये ऐसा बना सकते हैं। उसका कारण है, इनके लिए फतवा भी जारी हो जाएगा, इनके ऊपर तो ऐसी ऐसी चीज़ें जारी हो जाएगी कि ये अपनी लुंगी लेके भागेंगे। अब इन्होंने मूवी बनाई है हिंदुत्व, हिंदुत्व मूवी में दोबारा ब्रह्मास्त्र की तरह इन्होंने हमारा मजाक बनाया, क्योंकि हमने सोचा अच्छी मूवी है, अच्छी थी, ठीक का मतलब है मैंने ट्रेलर देखा, फिर जब मैंने मूवी का रिव्यू देखा, आज वो मूवी लॉन्च हुई है, मैंने जरूर देखा जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि भगवा की मूवी है तो कुछ अच्छा होगा। 2014 के बाद हम लोग गाढ़ा भगवा हो गए। कुछ लोग कैमरे के आगे पूछते हैं आप लोग भगवा अब हुए हो, भगवा तो हम पहले ही थे मगर अब गाढ़ा हो गए। जैसे माता और बहनें मेहंदी लगाती है ना, जितनी गाढ़ी रस्ती है उतना गाढ़ा प्रेम होता है, चाहे वो किसी भी फीलिंग से देखे, एक अच्छी भावना से। अब इन्होंने मूवी में क्या कर दिया मालूम है भाई साहब? तुलसीदास खान, या तो खाली तुलसीदास बोलो और या खाली खान बोलो, तुलसीदास खान नहीं हो सकता और खान तुलसीदास नहीं हो सकता। तो हिंदुत्व मूवी में इन्होंने ये दिखाया कि वो सेकुलर बन गया बाद में। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं जो देश और दुनिया में चल रहा है, कर सकता हूं ना भाई साहब? बिल्कुल। आप मुझे ऐसे कितने मुस्लिम दिखा सकते हैं जो हमारे मंदिरों में आकर जोत जलाते हैं और घंटी बजाते हैं और मंगलवार को प्रसाद बांटते हैं? बात भले आपको कड़वी लग रही होगी मगर मैं कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा, और मैं आपको ऐसे लाखों हिंदू दिखा दूंगा जो मजार में चादर भी चढ़ाते हैं, चाहे वो पीर बाबा की हो, अजमेर शरीफ भी जाते हैं, जाते थे, कुछ लोग तो अब नहीं जाते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, मगर हम 100 करोड़ में लाखों लोग जाते हैं जो चर्च भी जाते हैं और धर्मों में जाते हैं, सारे धर्मों में जाते हैं, मगर क्या मुस्लिम और क्या और धर्म के लोग हमारे धर्म में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं आस्था रखते हैं? नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म कुछ विचित्र टाइप के काम कर रहा है। विचित्र बोले तो कैसे? क्योंकि हम अगर अपने माता पिता को ज़्यादा पूजे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई साहब, हम दूसरे को क्यों ज़्यादा पूछे? अरे हमारा मर्जी है, हमारा भगवान है। ये हमारे धर्म में तुलसीदास खान, इन्होंने जो मूवी बनाई हिंदुत्व, इसको तुलसीदास खान इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सेकुलर हिंदुत्व दिखा दो मूवी को। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, इस मूवी का नाम कर दो सेकुलर हिंदू, क्योंकि भैया हम नहीं देखेंगे, हमारा पैसा है। अब एक मूवी बनाई है कार्तिकेयन, कार्तिकेयन मूवी में 10 गुना 20 गुना कमाई करी है, छोटे बजट की मूवी है, एक साउथ इंडियन हीरो आया, उसने अच्छी एक्टिंग करी, अच्छा किरदार निभाया, हमारे धर्म को अच्छा दिखाया और कार्तिकेयन हमने हिट करवा दी, क्योंकि भैया पैसा मेरा है, मेरा मन है, मैं शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊंगा, उसके बाद मूवी भी देखूंगा। लाल सिंह चड्ढा तो मैंने फ्लॉप करवा दी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को बोला, लोगों ने मेरी बात सुनी, तो दिल्ली के दीपक की अगर किसी ने बात सुनी तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब? अब एक मूवी आई है जग्गू की लालटेन, एक लाला आदमी, एक बनिया आदमी अगर एक मूवी के माध्यम से ये बताना चाहता है लोगों को कि आप जरूरतमंदों की मदद करो, मगर वो दीन ईमान धर्म का भी पक्का है, वो अपने धर्म को भी अच्छा दिखा रहा है, उसने शुरू में भी भक्ति सॉन्ग दिखाई है, अंत में भी भक्ति सॉन्ग दिखाई है। आप कह रहे हैं कि जग्गू की लालटेन एक मूवी आई है जिसको देखा जाए, बिल्कुल क्यों देखा जाए? उसका रिव्यू देखा है ना, कोई बड़ा उसमें क्या है फीडबैक आ रहा है, इससे अच्छा तो जो अभी आई है युग पुरुष उसको देखें। भाई साहब एक बात बताइए, जो आदि पुरुष आई है, आदि पुरुष को आप बताना चाह रहे हैं? आदि पुरुष में जो हमारे धर्म का मजाक बना रहा है, आप एक काम करिए ना, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं पत्रकार, आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए और मुछवा कटवा दीजिए, कैसे लगोगे भाई साहब? कैसे लगोगे मालूम है? अगर शादीशुदा हो तो भाभी से पूछना, तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाएगा, अजीब से लगोगे बिल्कुल। उसमें हमारे हनुमान जी के साथ इन्होंने, हनुमान रूपी व्यक्ति के साथ, हनुमान जी तो इनकी औकात भी नहीं है, कलयुग में हमारे हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं है हनुमान जी के लिए कुछ बोल जाए, क्योंकि वो शक्तिपीठ है। कहते हैं नशे रोग हड़े सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर। ये हमारे सनातन धर्म
पूरा मतलब ये इसका ना कोई आदि ना कोई अंत, भाई साहब ये चला आ रहा है, ये अंत नहीं है इसका कोई। मैं रहूं या ना रहूं, दिल्ली का दीपक रहे या ना रहे, लोगों के घर में दीपक भी जलेगा, मेरा प्रभु श्री राम भी रहेगा। इनकी क्या औकात है बॉलीवुड वालों की, ये जो ठुमके लगा लगा के उल्टे सीधे बयान दे दे के हैं, हमारे पैसों से ये लोग बने भाई साहब, हमारा इनका कोई पैसों से लेन देन नहीं है। हम मूवी देखते हैं तो ये स्टार बने, और ये काहे के स्टार है, स्टार तो हमारे आर्मी वाले हैं जो सरहद में हमारी रक्षा करते हैं। तो जग्गू की लालटेन मूवी आई है, उसमें कहा दिखाया उसने, मुझे अच्छी लगी। मैं कल गया स्टार कास्ट के पास, मुझे उन्होंने बुलाया दिल्ली के दीपक जी, अभिव्यक्ति की आजादी है ना भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। एक कन्हैया कुमार को जानते हो? एक कन्हैया कुमार क्या कह रहा था, भारत तेरे टुकड़े हो कन्हैया कुमार। नाम सुनते ही गुस्सा आता है कि मेरे किशन का नाम है इसलिए एडजस्ट करता हूँ मैं, ये तो गाली बकनी मुझे भी आती है, ये लोग रात दिन बकते हैं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहा था ना जेएनयू में, इसको बोलो ना कि कश्मीर फाइल के लिए अरविंद केजरीवाल ने बोला है, यूट्यूब में देख लो, तो ब्रह्मास्त्र के लिए भी बोल देता, लाल सिंह चड्ढा के लिए भी बोल देता, और हिंदुत्व मूवी के लिए भी बोल देता। नहीं बोलेगा, मालूम क्यों? अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा। जानते हो अहमदुल्ला खान को? विधायक है भाई साहब झाड़ू का, अभी बंद है वो, उसके घर में पता नहीं कहाँ कहाँ मिला है, वो ट्रंक वरंक खोला तो वो रसियन राइफल वाइफल राम जाने, हम लोगों ने पता आम सेक्ट लग गया भाई साहब, आम सेक्ट समझते हैं आप तो पत्रकार है, आपको तो पता ही होगा, बॉलीवुड वालों की तो फिरकी ले ली हमने। अब लाल सिंह चड्ढा की स्टार कास्ट मूवी ने मुझे कल लोगों ने बुलाया टीम ने कि भैया हम एक अच्छी मूवी बनाते हैं दीपक जी, आप एक बार आके देखिए तो सही। हमने देखी, हमने उसका वो देखा, क्या नाम है आपका, ट्रेलर। अरे ट्रेलर में एक लाला आदमी एक चाय वाले की मदद कर रहा है। अगर आप जग्गू की लालटेन की बात कर रहे, बिल्कुल जग्गू की लालटेन की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। हाँ मुद्दा भटकाओ गैंग चल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ तुम लोग सोचते हैं मुद्दा भटक जाएगा, ऐसे नहीं भटकता मुद्दा, फिलहाल जग्गू की लालटेन की बात चल रही है। अच्छी मूवी है, हम लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि एक बनिया किसी की मदद कर रहा है चाय वाले की, और उस चाय वाले की लालटेन जो है वो चार पांच पीढ़ी पहले खरीदी गई थी, उस लालटेन को वो खरीद रहा है, और कितने पैसों में खरीद रहा है मालूम भाई साहब? आप अंदाजा लगाइए एक लालटेन कितने में खरीद सकते हो आप बाजार में, खरीदते हो अंदाजा लगाइए, एवरेज एवरेज बताइए कितने में खरीदेंगे आप, 200-400-500 रुपए मैक्सिमम। अरे सोने और चांदी की तो लालटेन नहीं बनवाता। अब उस पुरानी लालटेन के अगर वो व्यक्ति उसको मदद कर रहा है, वो उस मूवी में ये दिखा रहा है कि मैं पैसा कमाता हूँ ईमानदारी से, इसमें मैं बनियों के लिए भी तारीफ करूंगा भाई साहब, बनियों की सोच अच्छी है। इस देश में हमारे जैनी बनिए समाज के जितने भी लोग हैं, वैसे तो सारे हिंदुत्व है सनातनी है, मगर इनकी सोच अच्छी है, ये कमाते हैं दान पुण्य भी करते हैं, इन्होंने कोविड में भी करा है। तो उस व्यक्ति ने उस मूवी में ये दिखाया है कि मैं इतना दीन ईमान धर्म का पक्का हूँ कि तेरे को मैं लालच दे के या पैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं दूंगा, तो तेरी चीज खरीद लूंगा मैं, और तू अपने ईमान से दे मुझे वो चीज, चाहे वो तेरे पूर्वजों की विरासत हो। उसने विरासत बताया ना, 7 लाख तक तो उसने बोली लगा दी ट्रेलर में, अब आगे नहीं मालूम वो कितने की बिकी है, मगर एक लालटेन की जो इतनी बोली लगा रहा है बनिया आदमी लाला आदमी, उस मूवी को हम देखेंगे। क्योंकि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, मैं नहीं बोलता भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चेक कर लो, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, और अगर कोई चाय वाले की मदद करेगा तो हम वैसी मूवी देखेंगे। पैसा हमारा है ना भाई साहब, मेरा पैसा है तो मैं देख सकता हूँ ना भाई साहब, आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ आप कैसे बुरा मान जाओगे, पैसा मेरा भाई साहब, ये क्यों बुरा मानेंगे? और कैमरा पकड़ने वाला भी बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि पैसा मेरा है, और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हमने करा दी है, तो हमारी मर्जी है। हमने हिंदुत्व के लिए थोड़ा सा पहले बढ़िया बोला ट्रेलर देख के, हमें बुरी लगी, मैंने मूवी देख ली, आज विरोध चल रहा है। तो जग्गू की लालटेन बढ़िया इसलिए जानी चाहिए, मेरे को उन्होंने कल एक में रिव्यू में किया, उन्होंने मुझे लालटेन भी दी। अब इस लालटेन में जग्गू की लालटेन लिखा है, और मुझे पता मालूम क्या बोला भाई साहब उस स्टार कास्ट टीम ने, जग्गू की लालटेन ने, ये लालटेन सबके घर में जलती रहे। क्या बात बोली, क्या बॉलीवुड में ऐसी मूवी कभी आई है? बॉलीवुड की मूवी है भाई साहब ये, हमारी मर्जी है। अवतार देखी है, स्वर्ग देखी है, हमने तरह तरह की मूवी देखी, द हीरो देखी है, गदर 2 भी देखेंगे, मगर जग्गू की लालटेन भी देखेंगे। उसका कारण है, ये लालटेन लेने का मतलब पता क्यों भाई साहब? ये वो वाली नहीं है जो बिहार में है, ये महाराज वो वाली मत समझना, ये वो लालटेन है जो लोगों के घर में प्रकाश करती है। और अगर उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दी, और साथ के साथ मालूम है क्या बोला स्टार कास्ट टीम ने, कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी में आपकी जान पहचान है, जहां आप जानते हो लोगों को, आप मदद करते हो, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, जहां जहां अंधकार है वहां रात को जाकर उनके यहाँ लालटेन जला कराओ। तो आप बिल्कुल बांटूंगा, उन्होंने मुझे दी ऐसी टीम के लिए तो मैं तारीफ बजाता हूँ भाई साहब, ऐसी टीम के लिए तो दिल्ली का दीपक कह रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे वो प्यार और स्नेह दे रहे हैं। और बाकी ये 2-4% जो लोग हैं ना भाई साहब, ये लेफ्ट विंग वाले और कुछ अजीब सोच वाले जो हैं, जो कहते हैं कि धरती चपटी है, उनसे मुझे दिक्कत नहीं, धरती तो गोल है भाई साहब, चपटी नहीं है, चपटी सोच वालों की तो चपटी रहने दो। तो ये जग्गू की लालटेन अगर मूवी चलेगी तो उसमें उन्होंने घोषणा और कर दी, आप मीडिया उठा के देखो, न्यूज में आ रहा है दबा के, कि इस मूवी में जो कमाई होगी, क्या आज तक आपने ऐसा सुना है बॉलीवुड में कि 10% में जरूरतमंदों की मदद करूंगा? बिल्कुल बोला उन्होंने, ये बात बोली है। हाँ, बोला। आपने भी सुनी होगी। तो अगर कोई बंदा अभी 1500 लालटेन बंटवा रहा है झुग्गी झोपड़ी में, 10% कमाई जो होगी उसको जरूरतमंदों की मदद करना चाहता है, तो हम ऐसी मूवी क्यों नहीं देखेंगे? हमारा पैसा है वो। और मैंने उनको बोला कि सर मैं शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, तो मेरे से पता क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब तुम्हारे साथ मैं भी शिवलिंग में दूध चढ़ाऊंगा और जल चढ़ाऊंगा। उस मूवी का को प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर कह रहा है मेरे से,
तो उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। ये घमंड तो बॉलीवुड की जो कुछ गैंग में लोग बने पड़े ना, ये उनकी है, बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं है भाई साहब, बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं है। गदर 2 है और ये आपके कार्तिकेयन देखिए बॉली 2 में, जग्गू की लालटेन देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है। अब आपने मेरे से एक सवाल पूछा सबसे शुरू में कि ये जो बड़े बड़े स्टार है ये उसमें नहीं है। भाई साहब एक बात बताइए, 65-65 साल के 60-60 साल के बुड्ढे जिनकी झुर्रियाँ आ रही है, जिनके चेहरे अजीब अजीब से बन रहे हैं, उससे स्मार्ट तो मुझे आप लग रहे हो। तो जग्गू की लालटेन वाला हीरो भी तो बढ़िया लग रहा है, वो तो लाला बनिया, लाला बनिया तो वैसे ही बढ़िया होते हैं। मेरी मर्जी भाई साहब, मेरा मुँह, मैं तारीफ करूंगा लालाओं की, क्योंकि लालाओं का इतिहास गवाह है। जब जब इस देश में प्राकृतिक आपदा आई है, जब जब इस देश में धर्म की लड़ाई हुई है, क्रांतिकारी लौह पुरुष खड़े हुए हैं, तब तब लाला और बनियों ने आके मदद करी है। तो जग्गू की लालटेन देखने से हमारे को ये दिक्कत नहीं है कि हमारा हिंदुत्व में कोई बात नहीं आ रही है, एक इंसानियत दिखाई गई है। और चाय वाले की मदद करी है, जिसने चाय वाले की मदद कर दी तो मेरा देश का प्रधानमंत्री चाय वाला बन गया। आप कह रहे हैं कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे भाई साहब, दूध चढ़ाएंगे, पैसा मेरा है ना, वो भी कह रहे हैं हम भी चढ़ाएंगे। हाँ तो पैसा मेरा है, आप चादर क्यों चढ़ाते, सब जाते हैं चादर चढ़ाते हैं भाई साहब। देखिए चादर होती है, आप एक बात बताइए, कल को मैं आपसे पूछूं कि आप जालीदार टोपी क्यों नहीं पहनते भाई साहब, बताइए क्यों नहीं पहनते आप? मुसलमान धर्म है, आप जालीदार टोपी पहनेंगे, जबरदस्ती पहनेंगे आप? नहीं पहनेंगे ना, नहीं। तो मेरी मर्जी, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। अरे भैया मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहा। हाँ, मगर वहाँ तो जाने का मतलब ही गारंटी होता है कि हो सकता है मूवी हमारी हिट हो जाए, बहुत से माथा टेकते हैं वहाँ पे। भैया वो उनकी मर्जी है, देखो मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा। अब एक बात बताइए कि अगर आपका नाम जो है हिंदू नाम है, तो जब आपका नाम खान गैंग होगा तभी आपकी मूवी चलेगी क्या? अब ऐसा नहीं है, इन्होंने मालूम, एक बात बताऊँ भाई साहब, ये मूवी तो चलेगी, देखो जो अच्छे लोग हैं उनकी तो चलेगी, जग्गू की लालटेन भी चलेगी, और वो जो नई मूवी आ रही है अभी आपकी एक कार्तिकेयन आई है वो भी बढ़िया चली है, और जो हमारे धर्म के लिए बनाएगा वो भी बढ़िया चलेगी। शशांक सिंह राजपूत गांव का लड़का आया था भाई साहब, उसके साथ इन्होंने क्या करा, देखिए मैं बोल नहीं पा रहा कैमरे के खुल के, गलत हुआ भाई साहब। एक लड़का रात दिन मेहनत करता है, वो ग्राउंड लेवल से उठा, तो इन्होंने गलत करा है भाई साहब। अब हमें वो हीरो नहीं चाहिए। एक वो मूवी आई थी जिसमें वो मुन्ना भाई MBBS में लौंडा जो है चोर बनके मार खा रहा था, आज उसकी मूवी सुपर डुपर हिट गई, तो भाई साहब चेहरे में कुछ नहीं रखा है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका नाम, जो एक गाना है इनका है खुदा तू बोल दे, मैं गाना बता रहा हूँ, खुदा तू बोल दे मेरे बादलों से तेरा यार हंस रहा है, देखा उसमें वो हीरो है, और वो मुन्ना भाई MBBS में, उसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो हीरो बन गया। तो भैया शक्ल से मतलब नहीं है, कॉन्टेंट बढ़िया होना चाहिए, कॉन्टेंट बढ़िया होना चाहिए। अगर कॉन्टेंट बढ़िया है तो वो चलेगा, 110% चलेगा, और शक्ल सूरत में नहीं जाते। ये 55-55 साल के बूढ़े बूढ़े से लौंडे आ रहे हैं आजकल लड़के, लौंडे सॉरी लौंडे बताते हो आप लोग, इनके चेहरे में झुर्रियाँ आ रही है भाई साहब, बिना मेकअप के मत देखना आप, डर जाओगे इनको। तो आप कह रहे हैं कि जग्गू की लालटेन के लिए आपको टीम ने इनवाइट किया, आप वहां गए, हिंदुत्व वालों ने भी करा था, करा तो हिंदुत्व वालों ने भी लगा कि देखनी चाहिए मूवी, बिल्कुल देखनी चाहिए, ट्रेलर देखा भाई साहब। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी का बुरे टाइम पे साथ दे, साथ तो आपने भी दिया हुआ किसी का बुरे टाइम पे, क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग दुनिया में बढ़े? और बॉलीवुड में अगर अच्छे लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड में अगर हिंदुत्व व्यक्ति छप रहे आ रहे हैं, अपनी छाप बना रहे हैं, और वो प्रोड्यूसर फाइनेंसर और सारे लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम से मूवी की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई साहब? आप सारे गाने बराबर लेके चलो ना। पहले तो एक मजहब के ही सारे गाने बनाए जाते थे, आज मिक्सअप चल रहा है भाई साहब, और उसमें यही दिखाया है कि पैसा, मीका जी ने भी उसमें गाना दिया है कि तेरे पास अगर पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, तो का गलत दिखाया भाई? ये लाल सिंह चड्ढा पैसे तो मांग रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा तेरे को तो पैसा भी नहीं मिला पूरा, तेरी तो मूवी फ्लॉप चली गई। लाल सिंह चड्ढा आके पता कैमरे का क्या कह रहा है कि भैया मेरी मूवी देखो, मेरी मूवी देखो, आमिर खान बोल रहा है भाई साहब, नंगा पुंगा जो था पीके में, आप जानते हो आमिर खान को? गरीब आदमी है, दो जोड़ी कपड़े दे दो, अभी तो सरात गए हैं, मैं नहीं जानता पीके में तो नंगा पुंगा था वो। तो सीधी सी बात है, जो हमारे धर्म के लिए अच्छी मूवी बनाएगा हम वो देखेंगे, चाहे वो जग्गू की लालटेन हो, चाहे वो कार्तिकेयन हो। और मैं तो कह रहा हूँ इसी आपके चैनल के माध्यम से कि सनातनियों के लिए मूवी बनाओ, सनातनी मूवी बनाओ, और आपका संतोषी माता बनाओ, चलो बुलावा आया माता ने बुलाया बनाओ, हम देखेंगे, आप हीरो बन जाओ मैं देखूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल के माध्यम से, मैंने किसी को नहीं बोला, आप भी अगर हीरो होगा तो मैं देखूंगा, मगर मेरे धर्म को गलत मत दिखाना भाई साहब, हमारे सनातनियों को, क्योंकि सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्लियर सी बात है पत्रकार महोदय, अगर हमारे धर्म का अपमान होगा, और या तो फिर आप धर्म को लाओ ही मत, आप एक नॉर्मल स्टोरी दिखाओ, जैसे जग्गू की लालटेन में दिखाई है, कार्तिकेयन में दिखाई है, और जो आने वाली मूवीज़ हैं, गदर 2 आ रही है, गदर 2 में शेर का बच्चा है जो जाके वहाँ पर असरफ अली से जाके भिड़ रहा था, अब की बारी सुना उसका लड़का बड़ा हो गया, अब सुना है वो भी सकीना लेकर आएगा, जो कह रहा था ओए, वो हेडपम्प वेडपम्प उखाड़ता है, लड़का बढ़िया है वो, और पाकिस्तान वालों को डरा कर आया, तो ऐसी मूवी तो देखनी चाहिए ना भाई साहब। मगर उसमें किसी के धर्म का मजाक नहीं बनाया, एक आध चीज उसमें भी गलत बोली थी, मगर वो लड़का जो है ना, लड़का बढ़िया, सनी देओल की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा भाई है, तो उसको देख के ना जोश चढ़ता है भाई साहब।
तो हिंदुत्व के लिए जो मूवी बनेगी अच्छी मूवी बनेगी, अच्छी सीख होगी, अच्छे विचार होंगे, हम वो मूवी देखेंगे। ना इसमें प्रमोशन की बात है, ना इसमें डिमोशन की बात है। बॉयकॉट हम उस मूवी का करेंगे जो हमारे धर्म का मजाक बनाएगा, और जो धर्म कर्म के काम करेगा, जो लोगों को समान बांटेगा, जो इज्जत से बात करेगा, जो शिवलिंग में दूध चढ़ाएगा, चाहे वो कोई भी मूवी बनाए, उसकी मूवी हम देखेंगे, तो जग्गू की लालटेन बढ़िया जाएगी। भाई साहब मुझे तो अच्छा लगा, वो टीम भी बढ़िया थी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये देखने जाएं और जरूर इसको एक बार देखें। बिल्कुल देखें। देखो मैं पहली बार कैमरे के आगे आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ, अभी तो पहली बार बोल रहा हूँ मैं आज के भैया, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने वो मूवी का जो स्टार कास्ट टीम है उनसे बात करी इस बारे में, उन्होंने बोला कि भैया मूवी बढ़िया है। अगर आपको दिल्ली के दीपक जी इसमें कुछ ऐसा लगा तो आप हमें बताइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाई हो, बल्कि उल्टा इसमें यह दिखाया है कि एक व्यक्ति करोड़पति अरबपति जो एक एक पाई पाई के लिए कंजूस होता है, मगर उसने जब मदद पे आया अपनी, तो एक चाय वाले को उसने उधार पैसे, एक बंदा भाई साहब जब मकान बेचता है ना अपना, एक बंदे के घर के बाहर जब गुंडे खड़े होते हैं और कहते हैं हम तेरी वाइफ उठा लेंगे या तेरा घर बिकवा देंगे या तेरी रेडी उठा देंगे, उसके दिल से पूछो। मगर वो वहाँ पर चाय पीते पीते में उस लालटेन की उसने बोली लगा दी। क्या ऐसी सोच विचार के लोग हैं बॉलीवुड में? घंटा है ये लोग, ये लोग जो है ना नकली लोग हैं, चर्सी है भाई साहब ये लोग। तो कुछ लोग हैं, सारे नहीं, कुछ लोग, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम देखेंगे उनकी मूवी, उसमें से एक है जग्गू की लालटेन। यानी ये ग्राउंड से जुड़ी हुई फिल्म है? बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी हुई है, जैसे अवतार थी, स्वर्ग थी और नसीब अपना अपना थी, उसमें किसी को गलत नहीं दिखाया जाता है। मगर ये लोग जो ये फिरकी विरकी लेने वाले जो ये लोग हैं ना भाई साहब, हमारा मजाक बना रहे जो जैसे उसमें बनाया आदि मानव ने, ये मेरे को किस दिन मिल गया ना ये आमिर खान भाई साहब, समझ जाओ तुम, मैं भरा पड़ा हूँ भाई साहब। अब आप अच्छे आदमी, आपको देख के लगता नहीं मैं कुछ कैमरे के आगे बोलूं, आप लोग बीप 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 लगा देते हो ना, ठीक है चलता है इतना तो आजकल कॉन्ट्रोवर्सी है, तो ठीक है मूवी वही चलेगी जो अच्छी है भाई साहब। जय श्री राम, जय हिंद, मैं दिल्ली का दीपक। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के दीपक, जो लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं और यह खुल के किसी का सपोर्ट हो या विरोध हो वो करते हैं। हम भी देखना चाहेंगे कि जग्गू की लालटेन में ऐसा क्या है, क्यों इसके प्रमोशन के लिए खुद आगे आए और ऐसा इसमें देखने लायक क्या कंटेंट आया है जिसको हम सबको देखना चाहिए। एन भारत टीवी दिल्ली।